आज किसान तहरीक खत्म होने का अंदाजा हो सकता है बड़ा लाना। आज दोपहर 2 बजे फिर होगी मीटिंग। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा सरकार की तजवीज पर चर्चा हुई। सरकार की तजवीज से कुछ नुकतात पर कंफ्यूज है। किसानों को मरकज की शर्तें मंजूर नहीं। किसान मोर्चा ने कहा केस तुरंत वापसी होंगे तो आंदोलन वापस होगा। हरियाणा के किसानों पर सबसे ज्यादा केस। संयुक्त किसान मोर्चा और राकेश टिकैत में दो पार। टिकैत ने कहा किसान मोर्चा के कहने से क्या होगा, अभी खत्म नहीं होगा आंदोलन। किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा मांगे पूरी होने पर ही घर जाएंगे, चिट्ठी भेजने से क्या होगा। मरकजी हुकूमत ने 2021 की मर्दमशुमारी पर लगाई रोक। लोकसभा में कहा कोरोना के सबब लगाई गई रोक। राज्यसभा में ओपोजिशन के 12 आरक्षी ने पार्लियामेंट के मुअत्तली के मुद्दे पर बड़ी तकरार। ओपोजिशन पार्टियों ने पार्लियामेंट अहाते में एहतजाजी मुजाहिरा कर किया फैसला। आज दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह से मिलेंगे टीएमसी लीडर। AFSPA के मुद्दे पर करेंगे चर्चा। गोवा में इंतखाब से कबल कांग्रेस को झटका। साबिक सीएम रवि जी नायक बीजेपी में हुए शामिल। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल को इलेक्शन कमीशन ने दिया इंतखाबी निशान। आरी लेकर मैदान में उतरेंगे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज ईडी के सामने पेश होंगी एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस। ठग सुकेश चंद्रशेखर को लेकर पूछे जाएंगे सवाल। चांद पर जा सकता पहला हिंदुस्तानी। नासा ने मून मिशन के लिए सिलेक्ट किए 10 ट्रेनी एस्ट्रोनॉट्स, इनमें हिंद निजात अनिल मेनन भी शामिल। कश्मीर में तीनों फौज के जवानों ने की प्रैक्टिस। 9000 फीट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर ने भरी उड़ान। किसान आंदोलन को लेकर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। का हार से डर से वापस लिए गए तीनों जराए कवानीन। जराए कानून मजबूरी में वापस लेना पड़ा। बीएसएफ का दायरा कार बढ़ाने पर फारूक अब्दुल्ला ने उठाया सवाल। कहा नागालैंड जैसे पंजाब में भी हो सकता है। महबूबा मुफ्ती ने फिर की पाकिस्तान से बातचीत की वकालत। का हिंदुस्तान की जमीन दबाए बैठे चीन से जब बात हो सकती है तो फिर पाकिस्तान से क्यों नहीं। टीएमसी की दो एमपी नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती को नोटिस। टीएमसी पार्लियामानी पार्टी की तरफ से नोटिस। अभिषेक बनर्जी की मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। 1984 से मुखालिफ दंगों में सज्जन कुमार की मुश्किलें बढ़ी। साबिक कांग्रेस एमपी के खिलाफ इल्जाम तय। 16 दिसंबर को भी समा। पंजाब में इंतखाब से कबल नए इत्तेहाद की सुगबुगाहट तेज। कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने पहुंचे पंजाब बीजेपी इंचार्ज गजेंद्र सिंह शेखावत। राहुल गांधी से मिले शिवसेना एमपी संजय राउत। कहा कोई फ्रंट कांग्रेस के बिना मुमकिन नहीं। राहुल के कयादत को कहा। शिवसेना एमपी संजय राउत ने कहा राहुल गांधी मुंबई आएंगे तो आगे की बात होगी। राहुल से सियासत पर चर्चा। आज यूपी के मथुरा दौरे पर सीएम योगी आवामी जलसे को भी करेंगे खताब। कई तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद और इफ्तिताह। सीएम योगी दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से सभा स्थल पहुंचेंगे। प्रोग्राम में मथुरा एमपी हेमा मालिनी, लक्ष्मी नारायण चौधरी और श्रीकांत शर्मा भी होंगे शामिल। आज शाहजहांपुर दौरे पर भी जाएंगे सीएम योगी। पीएम के आवामी जलसे की तैयारियों का लेंगे जायजा। गंगा एक्सप्रेसवे का लेंगे जायजा। पीएम के दौरे पर कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार का बयान। का शाहजहांपुर में तारीखी प्रोग्राम होगा। पीएम शाहजहांपुर को करोड़ों के मंसूबों का तोहफा देंगे।
यूपी में खवातीन को साथ में जुटी प्रियंका गांधी आज लखनऊ कांग्रेस हेडक्वार्टर में दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी इंतखाब में प्रियंका का नया प्रोग्राम, खवातीन के लिए अलग से इंतखाबी मशहूर जारी करेंगी कांग्रेस, लखनऊ में आज 2 बजे प्रोग्राम। आज यूपी के बिजनौर दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अवामी जलसे को करेंगे खिताब, सिक्योरिटी को लेकर किए गए पुख्ता इंतजाम। आज बीएसपी के जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्र का सहारनपुर दौरा, अवामी जलसे को करेंगे खिताब। यूपी के आगरा में बाइक रैली के दौरान साबिक वजीर और साबिक ब्लॉक चीफ के हामियों के बीच पथराव, कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। आगरा में पथराव के बाद मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस तैनात, सख्त मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया। मेरठ में समाजवादी पार्टी और आरएलडी की रैली में हादसा, मीडिया स्टैंड और बैरिकेड्स टूटे, कई लोग जख्मी, भीड़ से सभी को महफूज बाहर निकाला। यूपी के हरदोई में बीजेपी के रियासती इंचार्ज राधा मोहन सिंह के कारकुनान के साथ की मीटिंग, इंतखाबी हिकमत अमली पर हुई चर्चा, योगी हुकूमत के कामकाज की तारीफ। यूपी में समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं हरिशंकर तिवारी का कुनबा, विनय शंकर तिवारी को बीएसपी ने दिखाया बाहर भरा। प्रयागराज में कांग्रेस के इंतखाबी जलसे में रेप मुतासिर की पहचान उजागर, मंच पर मुतासिर की तस्वीर लगाकर किया इजलास। यूपी के लखनऊ में कांग्रेस लीडर ललन समेत 3 पर एफआईआर दर्ज, बीजेपी एमएलए के नाम पर लापता का पोस्टर बांटने का इल्जाम। महाराष्ट्र के पुणे में ओमिक्रॉन के 10 और नए मामले मिले, हवाई अड्डे पर तकरीबन 30,000 मुसाफिरों का किया गया कोरोना टेस्ट, 10 लोगों में ओमिक्रॉन की हुई तस्दीक। मुल्क में ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच एमपी के भोपाल में बैरून मुल्क से लौटे 2 लोग कोरोना पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल्स। लखनऊ में दफा 144 नाफिज, जिम होटल 50% गुंजाइश के साथ ही खुलेंगे, घर से बाहर मास्क पहनना लाजमी। केरल में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 4,656 मरीज मिले, वहीं 24 घंटों में 28 की हुई मौत। एमपी में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सीएम शिवराज सख्त, मंत्रियों को गृह जिले के 7 प्रभार वाले जिले का दौरा करने के दिए ऑर्डर। एमपी के राजगढ़ में वैक्सीन के फर्जी सर्टिफिकेट का इंकशाफ, मौत के 6 महीने बाद फोन पर आए दूसरी डोज लगवाने का मैसेज। आगरा में ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट के बीच बड़ी लापरवाही, ताज नगरी में 45 गैर मुल्की शहरी लापता, मामला छिपाने पर होटल मालिकों पर हो सकती है कार्रवाई। उत्तराखंड में नैनीताल के सियासी जोड़ तोड़ साथ में जुटे सीएम धामी, भीमताल में कई मंसूबों का किया अफ्तिताह, बोले डबल इंजन की सरकार ने बहुत काम किया। 11 दिसंबर को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, किशनपुर में इंतखाबी आवामी जलसे करेंगे खिताब। यूपी के हरदोई में छेड़छाड़ से परेशान तालिबान ने दी जान, गांव के ही नौजवान पर इल्जाम, वालिद की शिकायत के बाद मुलजिम की तलाश में पुलिस। यूपी के मेरठ में एक होटल में मिली बैंक मैनेजर की लाश, घर वालों ने जताया खत्म कांडा। यूपी के बरेली में तेल फैक्ट्री में हादसा, टैंक की सफाई करने उतरे 3 मजदूरों की मौत, एक की हालत नाजुक, अस्पताल में कराया गया दाखिल। यूपी के अलीगढ़ में मामूली कहासुनी में दबंगों ने मां बेटे को पीटा, पुलिस की मौजूदगी में ही की गई मारपीट, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई कर्फ्यू। यूपी के लखनऊ में इलाके की तकसीम को लेकर किन्नर आपस में भिड़े, किन्नरों में जमकर हुई झड़प, ठाकुरगंज थाने का घेराव किया।
कानपुर में नौजवान को बुलेट की सवारी करते वीडियो बनाना पड़ा महंगा। ट्रैफिक जवाबित की खिलाफ वर्जी के आया 9000 रुपए का ऑनलाइन चला। यूपी के गोंडा में बाइक चोर की पिटाई का वीडियो वायरल। भीड़ ने बाइक चोर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। चोर को छुड़ाने पहुंची पुलिस के साथ लोगों ने की हुई नोकझोंक। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा चला। मुसाफिरों से भरी बस से उतरकर हवा में लट गई। बाल बाल बची 20 मुसाफिरों की जान। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 300 रुपए के लिए दुकानदार का कत्ल। बदमाशों ने कार से रौंदा, भागने के दौरान ड्राइवर गिरफ्तार। यूपी के झांसी में आरपीएफ और क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। ट्रेन में सफर कर रहे शख्स से 1 करोड़ कैश बरामद। मुसाफिर को हिरासत में लिया। यूपी के सोनभद्र में कृष्णशिला खदान में चीता दिखने से दहशत। खदान में काम कर रहे मुलाजमीन को दिखा चीता, लोगों ने वीडियो बनाकर किया शेयर। एमपी के छिंदवाड़ा में किसान ने की खुदकुशी की कोशिश। वजीर ज़राअत ने लिया नोटिस, कलेक्टर को दिए जांच के बाद कार्रवाई की है। एमपी के राजगढ़ में सूदखोरों से परेशान खानदान की गुहार पर हरकत में आई पुलिस। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, कार्रवाई की कराई यकीन रहा। भोपाल के बाहर होगी काबीना की चिंतन बैठक। शिवराज कैबिनेट का फैसला, जंगलात के इलाके में रहने वालों के पुनर्वास के लिए मिलेंगे 15 लाख। एमपी के भोपाल में तकरूरी के मुतालबे को लेकर मुंतखब टीचर्स का हंगामा। वजीर तालीम इंदर सिंह परमार के बंगले पर किया घेरा। भर्ती अमल गड़बड़ी का इल्जाम। एमपी में कमलनाथ सरकार के दौरान जारी ठेकों की होगी जांच। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जायजे के दौरान सीएम शिवराज ने दिए हवा। एमपी के छिंदवाड़ा में जमीनी तनाजे की समाप्त नहीं होने से परेशान किसान ने कलेक्ट्रेट में खाया जहर। तहसीलदार और टीआई लेकर पहुंचे अस्पताल। आखिरकार पकड़ा गया 5 दिन से लापता तेंदुआ। इंदौर के नवरत्न बाग इलाके में महकमा जंगलियात की टीम ने किया रेस्क्यू। बिहार के साबिक सीएम जीतन राम मांझी ने अपने इलाके की तरक्की के लिए सीएम नीतीश कुमार से मांगा 1000 करोड़ का पैकेज। का मदद नहीं मिली तो भूल जाएंगे तंजीम का खर्च। बिहार में वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा। गया में योगी आदित्यनाथ और हेमंत सोरेन को लगी वैक्सीन। सिविल सर्जन ने कहा यूजर आईडी और पासवर्ड को किया गया था। नीतीश कैबिनेट की मीटिंग में कुल 17 एजेंडों पर लगी मुहर। वाल्मीकि नगर में बनेगा कन्वेंशन सेंटर। पासमानदा तबके तलबा और तालिबात के लिए दारुल इकामा पर भी फैसला। झारखंड के साहिबगंज में प्रोग्राम में 135 करोड़ का सासा की सीएम हेमंत सोरेन ने की तकसीम। कई स्कीम का किया अफ्ताह और रखा संग बुनियाद। झारखंड में जेपीएससी रिजल्ट के खिलाफ जारी एहतजाज। उम्मीदवारों ने राजभवन के पास दिया धरना। गवर्नर से की एग्जाम रद्द कराने की मांग। पटना में नेशनल एक्सपो 2021 की आज से होगी शुरुआत। 13 रियासतों के दस्तकारी कारोबारी होंगे शामिल। 21 तारीख तक चलेगा एक्सपो। सीएम गहलोत का वजीर दाखिला अमित शाह पर निशाना। कहा अमित शाह ने की थी सरकार गिराने की नाकाम कोशिश, आवाम और एमएलए ने दिया साथ। महंगाई हटाओ रैली को लेकर पीसीसी के महामंथन में सीएम गहलोत ने कहा मुल्क की आवाम महंगाई से हो चुकी है परेशान। रैली से होगा एनडीए के जवाल की शुरुआत। जयपुर में महंगाई हटाओ रैली को लेकर पीसीसी में हुआ महामंथन। सीएम गहलोत, अजय माकन, गोविंद सिंह डोटासरा रहे मौजूद। राजस्थान के अजमेर में इंचार्ज वजीरों की मीटिंग में खुली काउंसलर्स की लिफाफा सिस्टम की पोल। हेमंत भाटी बोले काउंसलर्स उठाए महंगाई हटाओ रैली का खर्च। जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली के लिए बनाई गई कमेटियां। महेश जोशी संभालेंगे कंट्रोल रूम। टेंट सजावट का जिम्मा खाचरी आवास को।
राजस्थान के भीलवाड़ा में टीचर ने स्कूली तलबा से की छेड़छाड़, गांव वालों ने स्कूल के सामने किया हंगामा, अहले खाना ने दर्ज कराया केस। राजस्थान में रेसिडेंट डॉक्टर की हड़ताल जारी, सीनियर डॉक्टर्स ने अस्पतालों में संभाला मोर्चा, ओपीडी खदमात मुतासर होने से मरीज परेशान। असेंबली के सरमा इजलास को लेकर जयराम सरकार तैयार, वजीर आला जयराम ठाकुर बोले इस पे इख्तलाफ के हर सवाल का देंगे जवाब, 10 दिसंबर से होगा इजलास का आगाज। हरियाणा के करनाल में शादी के जोड़े में बैठी रह गई पीएचडी पास दुल्हन, फॉर्च्यूनर कार और कैश की डिमांड को लेकर ससुराल वालों ने रोके फेरे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बाइक शोरूम में लगी शदीद आग, लाखों का सामान जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूरोप में 5 से 14 साल के बच्चों में इन्फेक्शन शरह सबसे ज्यादा डेनमार्क में, और ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरे मुल्क में फैला, डेनमार्क में अब तक 358 मामले। रूस के सुदूर में हिंदुस्तानियों को मिल सकता है रोजगार, रूस के सदर पुतिन के हिंद दौरे खुल गए मवाक। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और रूस के सदर पुतिन ने मंगल को की वर्चुअल मीटिंग, रूस और यूक्रेन के बीच टकराव टालने पर रहा फोकस। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में निजी सेक्टर के मुलाजमीन के लिए कोरोना वैक्सीन हुआ लाजमी, मेयर ने किया ऐलान, न्यूयॉर्क में तेजी से फैल रहा है कोरोना। फ्रांस में कोरोना की पांचवी लहर की वजह से क्रिसमस से पहले बड़ी सख्ती, 10 दिसंबर से 4 हफ्ते के लिए नाइट क्लब बंद, 15 दिसंबर से बच्चों को लगी लाइट। वॉशिंगटन डीसी में हुआ नोबेल एजाज तकरीब का निकाह, स्वीडन के राजदूत ने फिजिक्स केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में जीतने वालों को इनाम से नवाजा। इटली के मिलान शहर में लगा 24 मीटर लंबा क्रिसमस ट्री, 800 बॉल्स और 80,000 लाइट से सजाया गया ट्री, दीदार के लिए बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे। स्वीडन के मगरबी समुद्री साहिल पर माल बरदार जहाज में लगी शदीद आग, 4 दिन से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी, हेलीकॉप्टर और शिप से आग पर काबू पाने में जुटे फाइट। यूक्रेन मसले को लेकर रूस और अमेरिका के बीच तनाजा बढ़ा, अमेरिका ने कहा कि रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो वो यूक्रेन में अपनी फौज तैनात कर देगा, इसके साथ ही रूस पर कई पाबंदियां हैं। हिंदुस्तान और रूस के बीच 28 समझौते, दोनों मुल्कों के बीच अफगानिस्तान और इंडो पैसिफिक इलाके पर चर्चा हुई, पीएम मोदी ने कहा दुनिया बदल गई लेकिन हमारी दोस्ती नहीं। पाकिस्तान के सियालकोट में मॉब लिंचिंग के शिकार बने प्रियंका दिव्या दना की लाश को पाकिस्तान से श्रीलंका भेजा गया, श्रीलंका में लोग सड़क पर उतर कर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा, पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने यूएन को खत लिखकर कहा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद दोनों मुल्कों में तनाव बढ़ा। इराक में धमाकों का सिलसिला जारी, इराक में जनूबी शहर बसरा में हुआ एक और धमाके में 4 लोग मारे गए, 20 से ज्यादा जख्मी, ब्लास्ट की वजूहत का फिलहाल पता नहीं चल सका। कोविड-19 की वजह से इस बार स्वीडन की जगह वॉशिंगटन डीसी की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में नोबेल प्राइज सेरेमनी का इनेकाद, अमेरिका में स्वीडन की एम्बेसडर कैरिन ने यहां फिजिक्स केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज विनर्स को एजाज से नवाजा। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में निजी सेक्टर में काम कर रहे मुलाजमीन के लिए 27 दिसंबर से कोविड वैक्सीनेशन जरूरी, न्यूयॉर्क शहर के मेयर ने किया ऐलान। इटली के शहर मिलान में कल एक 24 मीटर लंबा क्रिसमस ट्री लगाया गया जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा, ये क्रिसमस ट्री मिलान के सबसे मशहूर सियाही मकामात पर लगाया गया। इटली के पड़ोसी मुल्क फ्रांस में कोरोना की पांचवी लहर की वजह से क्रिसमस के दौरान सख्ती बढ़ी, फ्रांस के वजीर आजम जीन ने कहा कि 10 दिसंबर से देश में नाइट क्लब 4 हफ्तों के लिए बंद। ब्रिटेन में कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस बढ़कर 336 हो गए, वजीर सेहत साजिद जावेद ने कहा वेरिएंट मुल्क में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हुआ। हिंदुस्तान के दिग्गज क्रिकेटर हरभजन सिंह अगले हफ्ते पर कर सकते हैं रिटायरमेंट का ऐलान, आईपीएल में किसी टीम के साथ बतौर स्पोर्टिंग स्टाफ जुड़ सकते हैं।
हार्दिक पांड्या खराब फिटनेस और फॉर्म की वजह से टीम इंडिया से चल रहे थे बाहर। अब विजय हजारे ट्रॉफी में हार्दिक ने अपना नाम वापस लिया। युवराज सिंह अपने फैंस को दे सकते हैं सरप्राइज। युवराज ने वीडियो शेयर कर अपनी दूसरी इनिंग को लेकर दिया इशारा, हाथ में बल्ला थामे नजर आए। न्यूजीलैंड को बड़ा झटका, चोट से के चलते विलियमसन 2 महीने रहेंगे मैदान से बाहर। न्यूजीलैंड को अगले महीने बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है घरेलू सीरीज। ऑस्ट्रेलिया में चल रही बिग बैश लीग में दिखा शानदार नजारा, मैच के दौरान ग्राउंड में स्पाइडरमैन की एंट्री से हैरान हुए नाजरों। 2018 में मवाजना में तकरीब आधी हुई 2000 के नोटों की तादाद सर्कुलेशन में अब केवल 1.75% नोट बचे। वजीर मम्लिकत बराए खजाना पंकज चौधरी ने दी जानकारी। राकेश झुंझुनवाला के सरमाकारी वाली एक और कंपनी आईपीओ होगा ओपन। कंपनी मेट्रो बॉन्ड और आईपीओ 10 दिसंबर को खुलने जा रहा है। मंगल को शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स 886 नंबर उछाल कर बंद, निफ्टी 264 नंबर चढ़कर 17,176 पर बंद हुआ। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी पर TRAI का हम हुक्म का सभी यूजर्स को फौरन दे नंबर पोर्ट करने के एसएमएस का हुआ। खत्म हुआ ओला स्कूटर का इंतजार, 15 दिसंबर से शुरू होगा इलेक्ट्रिक ओला स्कूटर की होम डिलीवरी, कंपनी ने दी इत्तला। राजस्थान के सवाई माधोपुर में कैटरीना कैफ और विकी कौशल की कल होगी शादी, बीती शाम मेहंदी और संगीत का प्रोग्राम। फिल्म केदारनाथ के 3 साल पूरे होने पर सारा ने सुशांत के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट, बोली आज मुझे मेरा मंसूर बहुत याद आ रहा है। सपना चौधरी ने सोशल मीडिया में लहंगे में शेयर की जबरदस्त तस्वीर, सपना का ये लुक फैंस को बहुत पसंद आया। मोनी रॉय ने अपना इंस्टा हैंडल पर अपनी सुपर स्टनिंग तस्वीर की शेयर, फोटोज में मोनी ब्लैक पिंक बॉडी गाउन बैकलेस ड्रेस में आ रही नजर। विकी कौशल की शादी से पहले उनकी एक्स गर्लफ्रेंड हरलीन शेट्टी का क्रिप्टिक पोस्ट लिखा, हर वक्त सिर्फ जिंदगी के मायने ढूंढना, ठीक वैसा ही जैसा एक टोस्ट के मायने ढूंढना। कंगना रनौत की तेजस की रिलीज डेट हुई कंफर्म, अगले साल दशहरे के मौके पर 5 अक्टूबर 2022 में होगी रिलीज। सोशल मीडिया पर एक बच्ची की डांस वीडियो हुआ वायरल, बच्ची आई तो थी आइसक्रीम लेने लेकिन गाने की धुन में आइसक्रीम भूलकर करने लगी डांस। सौटा ने जीता बच्ची का दिल, सौटा से मिलने आई एक बच्ची सुन और बोल नहीं सकती, जैसे ही सेंटा को ये बात पता चली तो ये बच्ची साइन लैंग्वेज में बात करने लगी, जिसे देख बच्ची खुश हो। इंसान हो या जानवर हर कोई बर्फ देखकर जोश में आ जाता है, बर्फ देखकर एक कैट उछल उछल कर बर्फ को पकड़ने की कोशिश करने लगी। और अब जी का युद्ध कोरोना के विरुद्ध। देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।